आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। नए सत्र में ऑनलाइन भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद ने नए सत्र में परीक्षा फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने की तैयारी कर ली है। और अब तक जो है विद्यालयों को परीक्षा फॉर्म भेजे जाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। और छात्रों से जो परीक्षा फॉर्म भरवाने के बाद जो है बोर्ड को यहाँ भेजा जाता था, और इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। और नई सत्र से यहाँ पर जो है आपके 10वीं और 12वीं का जो है फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर 3.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का यहाँ पर 3% महंगाई भत्ते की जो है यहाँ पर सौगात। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में 3% जो महंगाई भत्ता था वो मिल चुका है। और वही बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात गांधीनगर में यहाँ पर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा सम्मेलन यहाँ पर शुरू हो रहा है। और मंगलवार को जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मेलन में प्रतिभाग के लिए यहाँ पर जो है रवाना हुए हैं। और मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर जो है चर्चा होगी, तो नई शिक्षा नीति पर चर्चा होनी है। और कहा कि जुलाई में जो है नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति जो है जुलाई से शुरू होने वाला है। और वही बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर योग प्रतिभा दिखाएंगे 19 छात्र छात्राएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय जो यहाँ पर योग ओलंपियाड में जो है चयनित हुए हैं, और अल्मोड़ा के अभ्यर्थी रहे पहले स्थान पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम हम लिस्ट जारी कर दिए हैं, और ये जो है प्रथम स्थान पर रहे हैं। और वही बात करें यहाँ पर HN इंटर कॉलेज में यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से होने लगी पढ़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HN इंटर कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दिए गए हैं, और ये हल्द्वानी में है। और इसमें जो है अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं जो है संचालित होने लगी हैं। और अंग्रेजी माध्यम की जो है पढ़ाई शुरू होने के बाद जो यहाँ पर इस सत्र में जो है छात्र संख्या में जो है इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर जो छात्र संख्या में इजाफा भी हुआ है। और वही बात करें यहाँ पर लापरवाही और यहाँ पर आदेशों की अनदेखी पर शिक्षक सस्पेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य में जो है लापरवाही और आदेशों की जो है अनदेखी पर प्राथमिक विद्यालय बवास बेदालघाट के जो है शिक्षक हैं यहाँ पर दर्शन लाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जो SB चंद हैं उनके ने यहाँ पर कार्रवाई की है। उनने यह बताया है कि लापरवाही की और यहाँ पर आदेशों की जो है अनदेखी पर शिक्षक को जहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और लंबे समय से यहाँ पर जो है शिक्षक की कार्यप्रणाली में जो है सुधार नहीं आ रहा था, और इसी वजह से वर्ष 2018 से लेकर शिक्षक के खिलाफ जो यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी। और कई बार जो है चेतावनी के बाद जो यहाँ पर उसके कार्य पर जो सुधार नहीं आया, और यहाँ पर जो है शिक्षक को सस्पेंड करना पड़ा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 13,000 की नौकरी के लिए यहाँ पर जो 40,000 सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में यहाँ पर हटाए गए लगभग 22,000 जो कर्मचारी हैं उनकी बहाली पर जो है बड़ा पेंच फंस गया है। और मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर अस्पतालों के जिन रिक्त पदों पर जो है उन्होंने यहाँ पर दोबारा से रखने के आदेश जारी किए गए थे, उनमें जो है 40,000 रुपये सिक्योरिटी मांगी जा रही है। और इसके लिए यहाँ पर जो है कर्मचारी यहाँ पर जो है दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के तौर पर 40,000 मांगे जा रहे हैं, और जबकि उनकी जो सैलरी है लगभग 13,000 के करीब मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर जो है उनको 40,000 रुपये की यहाँ पर मांग कर रखे हैं दोबारा से उनको रखने को लेकर, और तब जाके उनको नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहा गया। कई लोग जो यहाँ पर नौकरी नहीं भी कर रहे हैं। और वही बात करें यहाँ पर स्नातक पाठ्यक्रमों को जो यहाँ पर इंटर्नशिप जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को यहाँ पर जो है नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि अब स्नातक पाठ्यक्रम में जो है इंटर्नशिप होना काफ़ी ज़रूरी है, और यह जो है आवेदन की सुविधा। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्र छात्राएँ या तो खुद रिसर्च इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर जो है आवेदन करेंगे, या अपने संस्थान के फैकल्टी से आप जो है इंटर्नशिप जो है पाएंगे। और इसके लिए हम जो है UGC ने एक जो है ऑनलाइन जो पोर्टल तैयार किया गया है, और जहां छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप के लिए हम जो है पंजीकरण करा सकेंगे। तो यहाँ ना जो इंटर्नशिप कराना है उसका पंजीकरण भी करवाना अति आवश्यक है। और दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, या तो इंटर्नशिप जो है आपके संस्थान करवाएं और इसके लिए यहाँ पर करें, या खुद जो है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए आवेदन करेंगे छात्र। तो ये दो ऑप्शन रहेंगे। और UGC ने जो है अपनी गाइडलाइन जो है चेंज कर दी गई है, और पूरे जो है यहाँ पर भारत में ये लागू होने हैं, और इसके यहाँ पर जो आदेश कल मंगलवार को यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर जारी किया प्रवक्ता संवर्ग समूह का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवक्ता परिणाम जो है जारी कर दिए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। इसमें जो है आपकी वैकेंसी आई थी 2020 में, इसका अंतिम चयन कर दिया गया है। और आयोग ने जो है इस परीक्षा में जो है कुल 468 अभ्यर्थियों को जो है अंतिम रूप से यहाँ पर जो है सफल घोषित किया है। तो 468 लोगों को जो है सफल कर दिया गया है। इनमें जो है 10
महिला शाखा के हैं, और महिला शाखा में जो है भौतिक, अंग्रेजी, गणित और भूगोल में जो है कई अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं। कई लोग भी सफल नहीं होने की वजह से वहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी बची हुई है, यानी कि रिक्त पद बच चुके हैं। और प्रवक्ता संवर्ग में जो है समूह ग की जो है उक्त परीक्षा 2021 में 28 से लेके 31 अक्टूबर में आयोजित की गई थी, और 7 मार्च से 2022 से लेकर 28 मार्च तक 2022 तक अभिलेख सत्यापन किया गया था। और आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ पर जो है विषयवार जो है मेरिट एवं अधिकता के अनुसार जो है रिक्त पदों के सापेक्ष जो है अभ्यर्थियों को जो है उनके श्रेष्ठता क्रम में जो है अंतिम रूप से यहाँ पर जो है चयनित घोषित कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सामान्य शाखा में जो है कला विषय, और वहीं यहाँ पर समाजशास्त्र व मनोविज्ञान में जो है एक एक, रसायन शास्त्र में जो है 42, और वहीं यहाँ पर भौतिक शास्त्र में यहाँ पर 46, और वहीं संस्कृत में 18, और अर्थशास्त्र में 74, कृषि में जो है 1, नागरिक शास्त्र में यहाँ पर 38, और वहीं अंग्रेजी में यहाँ पर 84, और इतिहास में 8, हिंदी में 81, भूगोल में जो है 17, गणित में यहाँ पर 6, और जीव विज्ञान में यहाँ पर 35 अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित घोषित कर दिया गया। तो इतने लोगों को कर रखा है, कई लोग बाहर भी हो रखे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट नहीं थे सही तरीके से, तो इसी वजह से उनको मौका भी दिया गया था आयोग ने, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट सही ना पाए जाने की वजह से उनको बाहर भी कर दिया गया है। कई लोग वैसे भी बाहर हो चुके हैं, कई लोग जो है योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से वैसे भी बाहर हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वैसे ही बाहर हुए हैं। अब वही बात यहाँ पर पर्वतारोहण में जो है यहाँ पर सविता ने बनाया रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के यहाँ पर जो है लोथरू गाँव निवासी जो है पर्वतारोही सविता कंसवाल ने जो है माउंट एवरेस्ट के बाद जो है 15 दिन के अंदर जो है माउंट मकालो पर जो है सफल आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड जो है बनाया है, और उनकी सफलता से यहाँ जो क्षेत्र में खुशी की लहर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरकाशी की रहने वाली है, और 15 दिन में जो यहाँ पर एवरेस्ट के बाद जो है मकाल पर्वत पर भी यहाँ फतह की है। और वही बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती को लेकर, तो वजन और लंबाई कम होने से यहाँ जो है टूट रहा भर्ती होने का सपना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 किलो से कम वजन पर जो है यहाँ पर पहले राउंड से बाहर हो रही महिलाएं, तो यहाँ पर 45 से कम वजन होने पर महिलाएं बाहर वैसी हो जा रही हैं। और उत्तराखंड पुलिस जो कि 15 से 21 पदों की भर्ती निकाली गई है, और अब भी यहाँ जो है इसकी प्रक्रिया जारी है, और शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा को लेकर जो है पहुंचने वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका सपना यहाँ पर वजन और लंबाई कम होने के कारण जो है टूट रहा है, और इसके चलते वो जो है पहले राउंड में ही यहाँ पर जो है परीक्षा से बाहर हो जा रही है। तो कई लोग जो है परीक्षा से बाहर हो जा रहे हैं, और शारीरिक दक्षता में जो है सफल अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग यहाँ पर देखते हैं, असफल अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग देखते हैं, और 31 मई से लेकर यहाँ पर 22 मई के बीच में इतने अभ्यर्थी हैं यहाँ पर असफल हो चुकी, यहाँ नापतोल में हो चुकी, यहाँ लंबी कूद में, और बहुत सारे लोग अभ्यर्थी बाहर हो चुके, लगभग जो है दिन के 30 से 40 के अभ्यर्थी जो है डेली हो रहे हैं। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बोर्ड में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो अब उत्तराखंड के बोर्ड में 10वीं 12वीं में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा अब इसी सत्र से, और लगभग जो है 2.5 लाख से यहाँ पर 3 लाख परीक्षार्थी यहाँ पर दे रहे हैं परीक्षा, तो यहाँ पर 2.5 लाख से 3 लाख देने वाले हैं। और उत्तराखंड की बोर्ड रिजल्ट जो है अगर बात करें उत्तराखंड की बोर्ड रिजल्ट को लेकर, तो बोर्ड सभापति कुंवर ने बताया कि उत्तराखंड का इंटर कॉलेज और हाई स्कूल का यहाँ पर जो रिजल्ट है उसकी जो है तारीखें जल्दी यहाँ पर जारी कर दी जाएंगी, और कहा है कि बोर्ड अधिकारी बैठक कर जो है जल्द है इसका जो है ऐलान करेंगे, और रिजल्ट जो है हर साल में जो है 10 जून से पहले पहले यहाँ पर हर हाल में जो है 10 साल से सॉरी हर हाल में जो है यहाँ पर 10 जून तक जो है पहले उससे पहले पहले आपको रिजल्ट जारी करने को लिए कहा गया है, और करीबन जो है यहाँ पर 2.5 लाख परीक्षार्थी यहाँ पर इन्होंने जो है बोर्ड में परीक्षा दी है, तो इनका जो है अब रिजल्ट आने वाला है 10 जून से पहले पहले आपका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वही बात करें यहाँ पर चंपावत में उपचुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लगभग जो है यहाँ पर 64.14 जो है फीसदी मतदान हुए हैं, और आम चुनाव से यहाँ पर जो है 1.85% यहाँ पर कम वोट पड़े हुए हैं, और अब तक जो यहाँ पर 65.99 यहाँ पर हुई थी वोटिंग, लेकिन अभी 1% से भी ज़्यादा थोड़ा सा वो जो है कम पड़े हैं, और फर्स्ट डिवीज़न पास यहाँ पर कर दिया गया है। और वहीं पर बात करें यहाँ पर मतदान आपका रहा पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर सही 4 प्रत्याशियों का जो है भाग्य ईवीएम में जो है यहाँ पर हुआ कैद, और वहीं यहाँ पर 3 जून को यहाँ पर फैसला होगा, तो 3 जून को यहाँ पर जो इनका फैसला भी आना है। तो ये बात करें उत्तराखंड में जो है सहकारी बैंक में बंद होंगी भर्ती फर्जीवाड़ा, तो यहाँ पर देखते हैं कि भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हो रखा है उसको बंद करने की बात कही है, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी ऐसा बताया गया है। इसके लिए हम जो है अब भर्तियां जो है आईबीपीएस के जरिए यहाँ पर कराई जाएंगी, तो आईबीपीएस जो है अब आपकी सहकारी बैंक की भर्ती करेगा, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को यहाँ पर जो है नौकरी मिलेगी, क्योंकि आईबीपीएस जो है आपकी एक जो नेशनल बैंक को जितने भी आपके होते हैं उनकी भर्तियाँ करवाती हैं,
तो सभी बैंक की भर्ती वही कराती हैं, तो इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आपके ठीक ठाक है क्वालिफिकेशन या आपको ठीक ठाक नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा नहीं होगा। कई लोग जो अपने रिश्तेदार को डाल देते हैं, तो इसी वजह से फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर IBPS जो है इसकी भर्ती कराएगा। और कम होगी सहकारी समितियों की संख्या, तो यहाँ जो सहकारी समितियों की संख्या वो भी कम बताई गई है। और वही बात करें समय पर जो है स्कूल नहीं पहुँचने पर जो है प्रधानाध्यापक निलंबित, तो यहाँ पर जो है बेतालघाट विकास खंड के जो है प्राथमिक स्कूल में का मामला है, उसमें यहाँ पर जो आपके आरोपी शिक्षक है उसको निलंबित कर दिया गया है। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं विभागीय वेबसाइट पर जो है आपको यहाँ पर नियुक्ति लिस्ट मिल चुकी है अभ्यर्थियों की, और 50% से कम अभ्यर्थी वालों को जो है दोनों लिस्ट 2019 की बैकलॉग और 2020 की यहाँ पर जो है रिक्त पदों की भर्ती का जो आदेश है वो मिल चुका है, और यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है इनकी, और इसकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों ही भर्ती 2019 और 2020 की यहाँ पर लिस्ट होगी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो ये बात करें उत्तराखंड लोक सेवा के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय की ओर से यहाँ जो है समूह ग और समूह ख इन पदों की परीक्षा यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है, और इसके लिए 8 पदों पर जो है आपकी अर्ध जो अभ्यर्थी होंगे उसकी स्क्रीन परीक्षा 5 जुलाई को होनी है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष है, मानचित्राकार है, और यहाँ पर प्रावधिक सहायक रसायन है, और कई पोस्ट हैं इसमें, यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट रखी गई हैं। इसकी परीक्षा का आयोजन जो है 6 जुलाई को होगा, तो ये दो परीक्षाएं यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं। और वहीं यहाँ पर इसका जो परीक्षा होगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हरिद्वार स्थित जो है परीक्षा भवन में करवाया जाएगा, और 20 जून तक जो यहाँ पर आप ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है 20 जून तक प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से जो है आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो वेबसाइट में जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर, तो बागेश्वर में जो पुलिस भर्ती जो आपको 15 से लेकर 3 तक हुआ था, उसमें अगर कोई छोटी अभ्यर्थी है, 5 यहाँ पर कारण दे रखे हैं, इन 5 अगर कारण में से अगर आपका किसी भी कारण से परीक्षा छूटी है, तो आपको यहाँ पर जो है 4 और 5 तारीख को ठीक है, ये 2 दिन जो है आपका परीक्षा होनी है, और इसमें 4 तारीख को होना है जो बारिश की वजह से स्थगित कर दिया गया था भर्ती परीक्षा, 23 को, और चोटिल अभ्यर्थी की होगी। साथ में जो आपके प्रार्थना पत्र जिन लोगों के संबंधी फिटनेस ना स्वास्थ्य संबंधी है या कोई प्रमाण पत्र है उनसे संबंधित है, तो आपको यहाँ पर 4 को जाना है, बाकी जो शेष अभ्यर्थी होंगे 5 को होगा, तो इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर प्रतिवाद कर सकते हैं अपने अपने प्रमाण पत्र को एडमिट कार्ड को दिखा गए। और वही बात करें उत्तराखंड की मंडली अपर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल की ओर से यहाँ पर जो है लगभग 159 सहायक जो कनिष्ठ सहायक है उनको जो है वरिष्ठ सहायक पद पर जो है पदोन्नति हेतु चयन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 159 का जो है पदोन्नत हो चुका है, और इसको लेकर जो है पद स्थापना जो है 7 जून 2022 को प्रातः 11 बजे जो है अटल उत्कृष्ट रा बा ई का नैनीताल में जो है काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है किया जाएगा, तो इनकी काउंसलिंग होनी है। और जो कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किए गए हैं, विभागीय जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्कूल एजुकेशन की साइट पर, वहाँ चेक कर सकते हैं, और इनको जो है काउंसलिंग करानी है 7 जून को।